नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रण तैयार है और बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी अब एक नया अभियान चलाने जा रही है जिसका नाम है हम राम को लाए हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भाजपा की नैया तो भगवान राम पहले ही पार लगा चुके हैं। अरे, 4 सीटें देश में जीतना चाहती है भाजपा। मध्य प्रदेश में श्री राम के नाम पर पार्टी के इस चुनावी कैंपेन का नाम हम राम को लाए हैं। इसके जरिए बीजेपी जनता तक राम मंदिर का इतिहास पहुंचाएगी, साथ ही भाजपा धार्मिक आयोजन कर वोटरों को भी साधेगी। कार्यकर्ता सभी बूथों पर जाकर केंद्र की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ में ये भी बताया जाएगा कि 500 साल के इंतजार के बाद भगवान राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बना है वो 1947 के बाद ही बन जाना था, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए इस मुद्दे को लटकाए रखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी जो संकल्प थे पहले भी, उसमें धारा 370 राम मंदिर में आ रही बाधाओं लिया था, पूरा हो गया। इसलिए हम उन सारी बातों को जो हमने पूरी की है हमारी 10 साल की सरकार में, 5 साल की सरकार में, पिछले बार, उसके पहले और आगे हम क्या करेंगे, हम सब बातों को ले जा रहे हैं जनता के बीच में। और उसको भी हम जनता के बीच में ले जाके बताएंगे 1947 के बाद में क्या क्या हुआ, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। इधर कांग्रेस भी सभी पैतरे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपना रही है, लेकिन कांग्रेस भाजपा की कैंपेन को बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बता रही है और भाजपा के राम पर चलाए जाने वाले कैंपेन को चुनाव आयोग के निर्देशों के खिलाफ बता रही है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भटकती जा रही है, कोई रणनीति नहीं है उसकी, क्योंकि श्री राम के नाम का इस्तेमाल कभी भी हमको राजनीति में नहीं करना चाहिए। राजनीति में हमेशा जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, देश को कैसे चलाना है उसका विजन होना चाहिए। यहाँ पर भगवान के नाम का इस्तेमाल करना, सनातन का इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों की भावनाओं से खेल रही है। निर्वाचन आयोग को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। भगवान के नाम पर कोई चुनाव अगर लड़ रहा है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एक गाने का बहुत इस्तेमाल करती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया भर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यहाँ बीजेपी सफल भी हुई और अब फिर राम मंदिर के इतिहास के जरिए बीजेपी 400 पार का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम के नाम का पूरा उपयोग करना चाहती है, लिहाजा अपने नए कैंपेन हम राम को लाए हैं में बीजेपी राम मंदिर के 500 सालों का इतिहास और संघर्ष बताएगी। विपक्ष इसे आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा बता रहा है, वहीं चुनाव आयोग के निर्देशों के खिलाफ भी बता रहा है। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना अनादि टीवी भोपाल। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ।